सीएम योगी ने किया मीडिया को संबोधित, कहा तीसरी वेव के लिए हम तैयार, 20 मई से होगा खाद्यान्न वितरण। अब स्थिति नियंत्रण में, कुछ लोगों ने पैदा किया पैनिक। कोरोना के नए मामले में गिरावट, लेकिन मौत का ग्राफ अभी ऊंचा, बीते 24 घंटे में 281,386 नए केस, 4,106 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में लगातार घट रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, बीते 24 घंटे में सामने आए 10,682 नए केस, 311 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा, करीब 25,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। यूपी में आज से 5 नए जिलों में शुरू होगा 18 साल से अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन, नगर निगम के बाद कमिश्नरी मुख्यालय में वैक्सीनेशन, अब यूपी के 23 जिलों में शुरू होगा टीकाकरण। वैक्सीन खरीदने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के शर्तों को किया गया आसान, फाइजर मॉडर्ना जैसी कंपनियां भी अब दाखिल कर सकेंगी टेंडर। यूपी में पोस्ट कोरोना मरीजों का फ्री इलाज, सीएम ने दिए सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज के निर्देश, नेगेटिव रिपोर्ट के बाद भी होगा मुफ्त में इलाज, सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। कोरोना से जुड़े मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई, मॉनिटरिंग कर रही कोर्ट की डिविजनल बेंच, ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण को लेकर जारी कर सकती है निर्देश। 23 मई तक लखनऊ में बंद रहेगा मेट्रो का संचालन, मेट्रो का 24 मई की सुबह 7 बजे से होगा संचालन, कोरोना के चलते लॉकडाउन बढ़ने पर लिया गया फैसला। कानपुर पुलिस से अभद्रता करने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी का काटा गया चालान, मास्क न लगाने के चलते 1,000 का चालान, पुलिसकर्मियों को मिला पुरस्कार। यूपी में पर्यटन स्थलों पर सभी पैटर्न पूरा था तो स्थल अब 31 मई तक रहेंगे बंद, कोरोना संक्रमण की वजह से लिया गया फैसला। लखनऊ में ब्लैक फंगस का बढ़ता कहर, ब्लैक फंगस के अब तक 24 मरीज आए सामने, केजीएमयू में 13, आरएमएल में 3 ब्लैक फंगस के मरीज। बरेली में सिपाहियों का रिश्वत देते वीडियो वायरल, दोनों सिपाहियों ने एक शख्स से रिश्वत ली, वीडियो वायरल होते ही एसएसपी ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड किया। झांसी में भीषण सड़क हादसे से हाहाकार, सड़क हादसे में अब तक 5 लोगों ने तोड़ा दम, एक शख्स के इलाज के दौरान तो कल देर रात 4 की हुई मौत। झांसी में सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। अमरोहा के थाना डिडौली क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट, घर के छतों पर पथराव की लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर हो रही हैं वायरल। कासगंज में दो पक्षों में प्रधानी के चुनाव के रंजिश में हुआ झगड़ा, एक पक्ष ने किया जमकर पथराव और फायरिंग, लाइव वीडियो वायरल। बलरामपुर में चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान और प्रधान के समर्थकों में जमकर बवाल हुआ, घटना में घायल एक युवक की मौत जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल। यूपी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी, अब आजमगढ़ में पुलिस ने ईंट भट्टे भर दी दबिश, मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और 10 क्विंटल लहन बरामद। बिजनौर में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस आरोपियों की कर रही तलाश। बिजनौर में शिकारियों के जाल में फंसा गुलदार, जाल में फंसा गुलदार हुआ चोटिल, गुलदार की दहाड़ सुनकर भागे ग्रामीण। आज सुबह खोले गए बाबा केदारनाथ के कपाट, विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कपाट खुले, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर बाबा बद्रीधाम के कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में सामने आए 4,496 नए मामले, एक दिन में 188 संक्रमितों की मौत। उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है कोरोना कर्फ्यू, कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर फैसला संभव। देवभूमि में लगातार बढ़ते कोरोना केस को लेकर सीएम तीरथ ने लोगों से की अपील, कहा जो लोग सक्षम हो करें मदद, कई अलग संस्थाएं भी मदद दे रहे हैं। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 258 अंकों के उछाल के साथ खुला।